नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल। दिल्ली पुलिस लगातार अपना कार्य मुस्तैदी के साथ कर रही है और अपराध पर नकेल कसने का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार जारी है। इसी बीच दिल्ली के थाना सराय रोहिला के पुलिस अधिकारियों ने रात की चोरियों में शामिल बांग्लादेशी नागरिकों के एक खूंखार गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस तरह एक महीने के भीतर ही रात की चोरी के 5 मामलों को सुलझाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने चोरी करने वाले इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पिछले साल दिसंबर के महीने में थाना सराय रोहिला क्षेत्र में रात में चोरी की 2 घटनाएं हुई थी। दोनों घटनाओं का विश्लेषण किया गया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। आसपास की जांच और विश्लेषण की गई और इससे पता चला कि चोर रात में बंद दफ्तरों को निशाना बनाते थे। यह भी पता लगा कि वे TSR का इस्तेमाल कर किसी और मोहल्ले से थाना सराय रोहिला में आते थे। चोरी की इन शिकायतों को सुलझाने के लिए एक टीम गठित की गई जिसमें ASI पुष्कर, HC अमित यादव, HC संदीप, HC राम बाबू, HC प्रवीण और CT रवि शामिल थे। इसके बाद जब टीम के सदस्य मामले पर काम कर रहे थे तब रात में चोरी की एक और घटना 14 से 15 दिसंबर की रात को हुई। टीम के सदस्यों ने फिर से सीसीटीवी कैमरों की जांच की और विश्लेषण किया गया तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए एक TSR के पंजीकरण नंबर का पता लगाने में पुलिस इस तरह सफल रही। TSR के ड्राइवर को तुरंत ट्रेस कर उसकी विस्तृत जांच की गई जिससे पता चला कि 14 से 15 दिसंबर की रात में उसके TSR को 4 लड़कों ने 2:30 बजे करीब आनंद पर्वत से शास्त्री नगर दिल्ली के एक किराए पर लिया था। इस सुराग के मिलने पर टीम के सदस्यों ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और इसकी मदद से चारों लड़कों का पीछा किया जिससे इन चारों लड़कों के इस चोरी में शामिल होने की बात की पुष्टि हुई। यह जानकारी टीम के सदस्यों को दोस्तियों तक पहुंचने में अहम सुराग साबित हुई। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां से TSR को आरोपित व्यक्तियों द्वारा किराए पर लिए जाने की सूचना मिली थी और उस स्थान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। ये चारों चोर मिलिट्री रोड से आ रहे थे और एक सीसीटीवी फुटेज में इन्हें देखा गया, इसीलिए उस मार्ग का अनुसरण किया गया जो सदस्यों को एक ऐसे क्षेत्र में ले गया जहां कबूतर खाने के प्रकार के आवास थे और मजदूर वर्ग के लोगों ने यहां कब्जा कर रखा था। इस इलाके में कोई सीसीटीवी नहीं लगा था इसलिए टीम के सदस्यों ने किराएदार सत्यापन के बहाने घर घर जाकर चेकिंग शुरू की। जब पुलिस यहां एक परिसर में पहुंची और एक कमरे में झांका तो उन्हें कमरे में एक LCD दिखी जो कि कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई थी। कपड़े का टुकड़ा वैसा ही था जैसा शास्त्री नगर में घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। टीम के सदस्यों ने कैमरे में मौजूद चारों लड़कों को तुरंत ही इस दौरान दबोच लिया और उन्हें पकड़कर थाने ले गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में देखे गए चारों लड़कों के चेहरे इन लड़कों से मिलाए गए तो वो बिल्कुल मैच खा रहे थे। पूछताछ में पता चला कि वे अपने परिवार के साथ बिहार के जिला कटिहार में रह रहे हैं और नियमित अंतराल के बाद दिल्ली आते थे और दिल्ली में चोरी करने के बाद वापस बिहार चले जाते थे। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के नामों का भी इस दौरान खुलासा किया। आरोपी लड़कों को अदालत में पेश किया गया है और उनमें से 2 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि इस गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है जिनकी पहचान पहले ही दिलसाद उर्फ दिल्लू और शेख राजिक और कलाम के रूप में हो चुकी है। दिल्ली से क्राइम रिपोर्टर अनिल कुमार की रिपोर्ट।